हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमन नज़ीर और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि जिन लोगों के पास वीवो के मोबाइल मौजूद हैं तो उनमें आप कैमरा सेटिंग कैसे कर सकेंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा हुआ था कि भाई, जो हमारे वीवो के मोबाइल में जो कैमरा है या तो वो नॉट वर्क हो रहा है और इसके साथ ही जो उसका फोकस मोड है वो भी काम नहीं कर रहा, और या हमारा जो कैमरा है वो ओपन नहीं हो रहा, और इसके अलावा बहुत सी प्रॉब्लम्स का उन्होंने नीचे कहा हुआ था। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स, आपके मोबाइल में जितनी भी कैमरे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आज की वीडियो में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप उसे अपने कैमरे को कैसे ठीक कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने करना यह कि अपनी सेटिंग को आपने ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सिस्टम मैनेजमेंट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिस्टम मैनेजमेंट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बैकअप रीसेट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, बैकअप रीसेट की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे से सेकंड नंबर के ऊपर रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाया होगा तो यहाँ पर आपने वो पासवर्ड इंटर करना है। जैसे आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक नीचे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा रीसेट ऑल सेटिंग्स का। वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि दिस वेल रीसेट ऑल सेटिंग के जो ये जो ऑप्शन है इसके ज़रिए आपकी जितनी भी सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी। नो डाटा और मीडिया विल बी डिलीट, जो आपका डाटा है मीडिया में या आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपके मोबाइल में वो डिलीट नहीं होगा। सिर्फ टू सिर्फ जितने भी आपके मोबाइल की ऐप हैं वो रीसेट हो जाएंगी। जैसे कि कैमरे में जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, और अगर आपके मोबाइल के ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या ओपन नहीं हो रहे हैं या उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो भी ये ठीक कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पे फ्रेंड्स, आपने रीसेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा मोबाइल रीसेट होने में। तो उसके बाद जो आपका मोबाइल है वो टोटल ऑल आपका जो कैमरा होगा और इसके बाद जो आपका मोबाइल में और भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो टोटल ऑल आपके रीसेट हो जाएंगे। ये ऑप्शन आप यूज़ करें, अदरवाइज जो भी आप ऐप मैनेजर में जाने के बाद नीचे आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर ऐप डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने मोबाइल के ऊपर यही सेटिंग करें। इसके बाद आप मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि भाई थैंक यू कि आपने हमें बहुत अच्छा कैमरा सेटिंग के बारे में भी बताया और हमारे जो मोबाइल के ऐप हैं उनके बारे में भी आपने हमें गाइड किया। तो फ्रेंड्स, इस जो ये जो ऑप्शन है सेटिंग्स रीसेट सेटिंग्स का, इसे आप यूज़ करें। अदरवाइज़ और आप अपने कैमरे की ऐप में जाने के बाद, उसकी सेटिंग में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो वाला आप सिस्टम रहने दें, इससे आपका जो मोबाइल का कैमरा है वो 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने आपके सामने अपने मोबाइल के ऊपर, वीवो के मोबाइल के ऊपर आपको ये रीसेट सेटिंग करके दिखाई है। मैं इसलिए ये करके दिखाई है कि बाद में जो लोग वो कहते हैं कमेंट में कि भाई आपने तो ये काम किया नहीं, हमें आप बता रहे हैं। तो भाई, ये आपके सामने मैंने ये कर लिया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मेरा मोबाइल है वो बिल्कुल रीसेट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन भी करूँगा तो मैं यहाँ से इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरा टोटल ऑल मोबाइल है वो रीसेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरे के ऊपर जाके क्लिक करके आपको दिखा सकता हूँ कि जो मेरा कैमरा है मोबाइल का वो बिल्कुल इस तरह का, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हो चुका है, बिल्कुल रीसेट हो चुका है। आपने भी इसी तरह से अपने मोबाइल का कैमरा जो है वो उसे रीसेट कर लेना है, तो आपका जो मोबाइल का कैमरा होगा वो 100% ठीक हो जाएगा। इस वक्त जो मेरे मोबाइल का कैमरा है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और आप इस वक्त जो मेरे मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं कि इसका वॉलपेपर वगैरह वो भी चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने टोटल ऑल सेटिंग्स को रीसेट ऐप आप कर सकते हैं। तो कैसे लगी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।